हेलो डियर चिल्ड्रंस टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 4.3 क्लास नाइन्थ मैथ्स पार्ट वन क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर वन टू और थ्री इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अभी क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फर्स्ट एग्जाम्पल एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेंटी अपॉन थ्री एक्स माइनस फाइव इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एट एक्स प्लस ट्वेल्व अपॉन टू एक्स प्लस थ्री अभी ध्यान से सुना है बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेंटी है और जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे थ्री एक्स माइनस फाइव है यदि ये जो टोटल टर्म है इसको यदि हम फोर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ट्वेल एक्स बन जाएगा और फोर फाइजा ट्वेंटी बन जाएगा तो यहाँ पे यदि ट्वेल एक्स माइनस ट्वेंटी बन गया तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं बाय डिविडेंडो प्रॉपर्टी से उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखो यहाँ पे एट एक्स प्लस ट्वेल्व है इसको भी यदि हम फोर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर टू ज़ा एट एक्स और फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व बन जाएंगे तो डिविडेंडो प्रॉपर्टी से हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो अभी फर्स्टली क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे फोर से मल्टीप्लाई करना है लेकिन यहाँ पे यदि हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो न्यूमरेटर की टर्म है उसको भी फोर से मल्टीप्लाई करना होगा इसलिए टोटल जो टर्म है इसको वन अपन फोर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को वन से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर को फोर से मल्टीप्लाई होगा देआर फोर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय वन अपॉन फोर देआर फोर वन अपॉन फोर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेंटी अपॉन थ्री एक्स माइनस फाइव इक्वल टू वन अपॉन फोर मल्टीप्लाई बाई एट एक्स स्क्र प्लस एट एक्स प्लस ट्वेल्व अपॉन टू एक्स प्लस थ्री अभी मल्टीप्लाई करते हैं वन से जो न्यूमरेटर की टर्म है उसको मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो वही हमें सेम टर्म मिल जाती है दैट इज़ एक्स स्क्र प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेंटी अपॉन फोर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स फोर माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव किया तो यहाँ पे माइनस ट्वेंटी इक्वल टू वन से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस एट एक्स प्लस ट्वेल्व मिल गया और नीचे फोर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर टू जा एट एक्स प्लस फोर थ्री जा ट्वेल्व अभी यहाँ पे ध्यान से सुनना है बच्चों यहाँ पे जो टर्म मिल गई हमें यहाँ पे ट्वेल्व एक्स माइनस टेन ट्वेंटी है और नीचे की जो टर्म है वो क्या मिल गई हमें ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेंटी तो यूजिंग डिविडेंडो प्रॉपर्टी से हम इस टर्म को कैंसिल कर सकते हैं देयर फोर बाय डिविडेंडो बाय डिविडेंडो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेंटी माइनस ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगी दैट इज 12x एक्स माइनस ट्वेंटी अपॉन डिनोमिनेटर जैसा है वैसा दैट इज 12x एक्स माइनस ट्वेंटी इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एट एक्स प्लस ट्वेल्व माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व अपॉन एट एक्स प्लस ट्वेल्व इस प्रकार से हमने रेड डाउन किया अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं देयर फोर एक्सक्वेयर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेंटी माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेंटी बन जाएगा अपॉन ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेंटी इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एट एक्स प्लस ट्वेल्व माइनस एट एक्स माइनस ट्वेल्व अपॉन एट एक्स प्लस ट्वेल्व अभी ध्यान से सुनना है बच्चों यहाँ पे ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स है तो ये कैंसिल हो गए माइनस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी ये भी कैंसल हो गए उसी प्रकार से एट एक्स माइनस एट एक्स है ये भी कैंसिल होगा ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व ये भी टर्म कैंसिल हो गई तो यहाँ पे हमें टर्म मिल गई देयर फोर एक्स स्क्वेयर अपॉन ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेंटी इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन एट एक्स प्लस ट्वेल्व अभी यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं इस प्रकार से देअर फोर एक्सक्वायर इन ब्रैकेट एट एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू एक्सक्वायर इन ब्रैकेट 12x एक्स माइनस ट्वेंटी अब यहाँ पे दोनों साइड एक्सक्वायर है तो एक्स स्क्वायेर की जो टर्म है वो कैंसिल हो गई देअर फोर एट एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेंटी देअर फोर एट एक्स ट्वेल्व एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है जब वो लेफ्ट को जाएगा तो निगेटिव बन जाएगा यहाँ पे बचा माइनस ट्वेंटी यहाँ पे प्लस ट्वेल्व नंबर है जब वो राइट right को जाएगा तो माइनस बन जाएगा देयर फोर यहाँ पे माइनस फोर एक्स इक्वल टू माइनस थर्टी टू दोनों साइड निगेटिव साइन है तो उसको कैंसिल कर देते हैं देयर फोर फोर एक्स इक्वल टू थर्टी टू देयर फोर एक्स इक्वल टू थर्टी टू अपॉन फोर देयर फोर एक्स इक्वल टू एट यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई दैट इज़ एट इस प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व हो गया सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं टेन एक्स स्क्र प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस सिक्सटी थ्री अपॉन फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फाइव अभी ध्यान से सुनना है बच्चों यहाँ पे फाइव एक्स की टर्म है यहाँ पे टेन एक्स स्क्वेयर की टर्म है यदि इस टेन एक्स की टर्म को कैंसिल करना है तो यहाँ पे हमें टू से मल्टीप्लाई करना होगा उसी प्रकार से यहाँ पे भी यदि हमने टू से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे टू एक्स मिल जाएगा यहाँ पे भी टू एक्स है तो टू एक्स की टर्म हमें कैंसिल कर कर सकते हैं टू एक्स के टर्म कैंसिल करने के लिए हमें यहाँ पे टू से ही मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ पे टू से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को हमें वन से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमें ये टेन एक्स स्क्वेयर की जो टर्म है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं देयर फोर यहाँ पर रेट डाउन करेंगे देअर फोर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय वन अपॉन टू देयर फोर वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं टेन एक्स स्क्वेयर प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस सिक्सटी थ्री अपॉन फाइव एक्स स्क्र माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू यहाँ पे भी सेम रेड ऑन करते हैं देट इज़ टू एक्स प्लस थ्री वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में एक्स माइनस फाइव अभी इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं दैट इज़ टेन एक्स स्क्र प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस सिक्सटी थ्री अपॉन टू से मल्टीप्लाई करते हैं टू फाइव ज टेन दैट इज टेन एक्स स्क्र माइनस टू इंटू ट्वेंटी फाइव किया तो यहाँ पे फिफ्टी एक्स प्लस टू इंटू ट्वेल्व किया तो ट्वेंटी फोर इक्वल टू टू से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज टू एक्स प्लस थ्री अपॉन टू एक्स माइनस टेन अभी यहाँ पे टेन एक्स है यहाँ पे भी टेन एक्स की टर्म हमें मिल गई अभी हम डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करके उस टर्म को कैंसिल करेंगे दे आर फोर यूजिंग डिविडेंडो देआर फोर टेन एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस सिक्सटी थ्री माइनस टेन एक्स स्क्वेयर माइनस फिफ्टी एक्स प्लस ट्वेंटी फोर अपॉन जो डिनोमिनेटर है से वही यहाँ पे राइट डाउन करेंगे दैट इज टेन एक्स स्क्वायेर माइनस फिफ्टी एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू यहाँ पे भी डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे दैट इज टू एक्स प्लस थ्री माइनस टू एक्स माइनस टेन अपॉन टू एक्स माइनस टेन अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं देयर फोर टेन एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस सिक्सटी थ्री माइनस टेन एक्स प्लस फिफ्टी एक्स माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन टेन एक्स स्क्वेयर माइनस फिफ्टी एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इस प्रकार से इस प्रकार से यहाँ राइट रेड डाउन इक्वल टू यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करते हैं दैट इज टू एक्स प्लस थ्री माइनस टू एक्स प्लस टेन अपॉन टू एक्स माइनस टेन अभी जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं टेन एक्स कैंसिल हो गया अभी यहाँ पे फिफ्टीन एक्स और फिफ्टी एक्स दोनों की क्या हो जाएंगी एडिशन दैट इज सिक्सटी फाइव एक्स प्लस सिक्सटी थ्री माइनस ट्वेंटी फोर दोनों की क्या करेंगे सब्ट्रेक्शन तो यहाँ पे प्लस थर्टी नाइन और ये जो टर्म है टेन एक्स स्क्वेयर माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू यहाँ पे भी टू एक्स की टर्म कैंसिल हो गई थ्री प्लस टेन किया तो यहाँ पे मिल गया हमें थर्टीन अपॉन टू एक्स माइनस टेन अभी यहाँ पे हमें सिक्सटी फाइव एक्स प्लस थर्टी नाइन अपॉन टेन एक्स स्क्वेयर माइनस फिफ्टी प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू थर्टीन अपॉन टू एक्स माइनस टेन मिल गया अभी यहाँ पे सिक्सटी फाइव एक्स है प्लस थर्टी नाइन है यहाँ से हम थर्टीन नंबर को कॉमन निकाल सकते हैं देयर फोर थर्टीन नंबर कॉमन निकल गया तो यहाँ पे बचा फाइव एक्स प्लस थ्री अपॉन टेन एक्स स्क्वेयर माइनस फिफ्टी एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू थर्टीन अपॉन टू एक्स माइनस टेन अभी यहाँ पे थर्टीन है यहाँ पे भी थर्टीन है तो थर्टीन नंबर को कैंसिल कर देते हैं अभी क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं देयर फोर फाइव एक्स प्लस थ्री फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट टू एक्स माइनस टेन इक्वल टू टेन एक्स स्क्वेयर माइनस फिफ्टी एक्स प्लस ट्वेंटी फोर अभी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है देयर फोर फाइव एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ये पूरे टर्म को दैट इज़ टू एक्स माइनस टेन को और थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं होल टेन को दैट इज थ्री इन ब्रैकेट टू एक्स माइनस टेन इक्वल टू टेन एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टी एक्स प्लस ट्वेंटी फोर अभी टू इंट फाइव एक्स इंटू टू एक्स किया तो यहाँ पे टेन एक्स स्क्र माइनस फाइव एक्स इंटू टेन किया तो यहाँ पे फाइव टेन ज़ा फिफ्टी दैट इज़ फिफ्टी एक्स प्लस थ्री टू जा सिक्स एक्स माइनस थर्टी इक्वल टू टेन एक्स स्क्र माइनस फिफ्टी एक्स प्लस ट्वेंटी फ़ोर मिल गया अभी यहाँ पे टेन एक्स है यहाँ पे भी टेन एक्स तो कैंसिल हो गया अभी यहाँ पे माइनस फिफ्टी एक्स है प्लस सिक्स एक्स है दोनों के एडिशन की तो यहाँ पे माइनस फोर्टी फ़ोर एक्स माइनस थर्टी इक्वल टू माइनस फिफ्टी एक्स प्लस ट्वेंटी फ़ोर मिल गया अभी यहाँ पे माइनस फोर्टी फ़ोर एक्स और यहाँ पे माइनस फिफ्टी एक्स है तो ये माइनस फिफ्टी एक्स यदि लेफ्ट को जाता है तो प्लस हो जाता है देआर फोर माइनस फोर्टी फोर एक्स प्लस फिफ्टी एक्स इक्वल टू ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी ये नंबर यहाँ पे आ गया अभी दोनों के एडिशन करेंगे तो यहाँ पे सिक्स एक्स इक्वल टू फिफ्टी फोर देयर फोर एक्स इक्वल टू फिफ्टी फोर अपॉन सिक्स देयर फोर एक्स इक्वल टू नाइन तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई दैट इज नाइन थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं टू एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस वन ब्रैकेट स्क्वेयर अपॉन टू एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस वन ब्रैकेट स्क्वेयर इक्वल टू सेवनटीन अपॉन एट अभी यहाँ पे ऑल जो टर्म है देखो यहाँ पे टू एक्स प्लस वन है यहाँ पे भी टू एक्स प्लस वन है यहाँ पे टू एक्स माइनस वन है यहाँ पे भी टू एक्स माइनस वन है यानी टर्म्स जो है वो सेम है लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइन है यहाँ पे निगेटिव साइन है तो यूजिंग कंपेन एंडो डिंडो प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं देअर फोर राइट डाउन करेंगे देअर फोर इसे इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्टली क्या करेंगे इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे टू एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस वन ब्रैकेटर दिया है वो राइट डाउन किया प्लस माइनस क्या करना है जो डिनोमिनेटर दिया गया है उसको सब ट्रैक करना है ब्रैकेट में टू एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस वन ब्रैकेट स्क्वेयर अपॉन फिर से हमें न्यूमरेटर ही राइट डाउन करना है दैट इज टू एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर माइनस सेम जो न्यूमरेटर हमने डिनोमिनेटर हमने राइट डाउन किया था वही राइट डाउन करना है दैट इज टू एक्स प्लस ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन किया अभी ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे भी सेम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे दैट इज सेवनटीन प्लस एट अपॉन सेवनटीन माइनस एट देयर फोर टू एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन टू एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन स्क्वेर माइनस टू एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ पे टू एक्स माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर मिल गया यहाँ पे निगेटिव साइन थी ब्रैकेट के बाहर इसलिए ये वाली साइन चेंज हो गई इक्वल टू सेवनटीन प्लस एट दोनों के एडिशन की तो यहाँ पे ट्वेंटी फाइव अपऑन नाइन अभी यहाँ पे कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही देखो यहाँ पे टू एक्स माइनस वन ब्रैकेट का स्क्वायर है यहाँ पे टू एक्स माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर है तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव साइन साइन जो थी यहाँ पे पॉजिटिव साइन थी यहाँ पे निगेटिव साइन थी यहाँ, यहाँ इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन थी यहाँ पे नेगेटिव साइन थी इसलिए ये दोनों टॉप कैंसल हो गए उसी प्रकार से यहाँ पे देखो टू एक्स प्लस ब्रैकेट स्क्वेयर है यहाँ पे माइनस टू एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वेयर है इसलिए ये दोनों टॉप कैंसल हो गए अभी यहाँ पे क्या मिल गया हमें दैट इज टू एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वेयर अपॉन यहाँ पे टू एक्स माइनस वन ब्रैकेट स्क्वेयर यहाँ पे प्लस टू एक्स माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव अपॉन नाइन ये टर्म हमें मिल गए अभी यहाँ पे देखो टू एक्स प्लस वन है यहाँ पे भी टू एक्स प्लस वन है टू टाइम्स है उसी प्रकार से यहाँ पे भी टू एक्स माइनस वन है यहाँ पे भी टू एक्स माइनस वन है टू टाइम्स है दोनों की क्या है एडिशन है यानी टू टाइम्स हर एक टर्म है टू इन ब्रैकेट टू एक्स प्लस वन होल ब्रैकेट स्क्वेयर टू इन ब्रैकेट टू एक्स माइनस वन होल ब्रैकेट स्क्वेयर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव अपॉन नाइन ये टू क्यू राइट डाउन किया क्योंकि टू टाइम्स है टू एक्स प्लस वन है उसी प्रकार से टू टू टाइम्स टू एक्स माइनस वन है टू टू कैंसिल हो होगा अभी यहाँ पे स्क्वेयर दिया हुआ है और यहाँ पे वैल्यू दी गई है तो यहाँ पे हमें स्क्वेयर नहीं चाहिए इसलिए हम क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वेयर रूट ले लेते हैं देयर फोर टेकिंग स्क्र रूट स्क्वायर रूट यदि हम लेते हैं तो यहाँ पे एक वैल्यू मिल जाएगी हमें टू एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स माइनस वन इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया तो यहाँ पे फाइव अपॉन थ्री मिल गया अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं थ्री इन ब्रैकेट टू एक्स माइनस वन फाइव इन ब्रैकेट टू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई करते हैं थ्री टू ज़ा सिक्स एक्स माइनस थ्री इक्वल टू फाइव टू ज़ा टेन एक्स माइनस फाइव देयर फोर सिक्स एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू माइनस फाइव प्लस थ्री सिक्स एक्स माइनस टेन एक्स तो यहाँ पे माइनस फोर एक्स यहाँ पे हमने गलत किया है यहाँ पे पॉजिटिव साइन है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन यहाँ पे ये टर्म माइनस हो गई दैट इज माइनस फाइव माइनस थ्री तो यहाँ पे माइनस एट मिल गया देयर फोर दोनों साइड निगेटिव साइन है वो कैंसिल हो गई दैट इज फोर एक्स इक्वल टू एट देयर फोर एक्स इक्वल टू एट अपॉन फोर देयर फोर एक्स इक्वल टू टू इस प्रकार से यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई दैट इज नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्क्वेयर रूट ऑफ फोर एक्स प्लस वन प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ फोर एक्स प्लस वन माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री इक्वल टू फोर अपॉन वन यहाँ पे ऑल टर्म इक्वल है दैट इज़ फोर एक्स प्लस वन है यहाँ पे भी फोर एक्स प्लस वन है यहाँ पे एक्स प्लस थ्री है यहाँ पे भी एक्स प्लस थ्री है ओनली यहाँ पे पॉजिटिव साइन है यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यूजिंग कंपैन एंडो प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं therefore by using component of dividend therefore square root of 4x plus 1 plus square root of x plus 3 plus square root of 4x plus 1 minus square root of x plus 3 इस प्रकार से यहाँ पे ये यह टर्म राइट डाउन की पॉजिटिव साइन वाली नेक्स्ट square root of 4x एक्स प्लस वन square root of x plus 3 minus square root of 4x plus 1 minus square root of x plus 3 equal to 4 plus 1 upon 4 minus 1. Now bracket open. Karte hai. Therefore, square root of 4x plus 1 plus square root of x plus 3 plus square root of 4x plus 1 minus square root of x plus 3 upon नीचे वाले भी ब्रैकेट ओपन करते हैं दैट इज फोर एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स प्लस थ्री माइनस स्क्र रूट ऑफ फोर एक्स प्लस वन प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री इक्वल टू फोर प्लस वन यहाँ पे फाइव अपॉन थ्री यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर निगेटिव साइन थी इसलिए यहाँ पे ये जो साइन है ये पॉजिटिव बन गई अभी जो टर्म कैंसिल हो रही उसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री है यहाँ पे माइनस एक्स प्लस थ्री है तो यहाँ पे दोनों टर्म कैंसिल हो गया उसी प्रकार से यहाँ पे स्क्वेयर रूट ऑफ फोर एक्स प्लस वन है यहाँ पे स्क्वेयर रूट ऑफ़ फोर एक्स प्लस वन है यहाँ पे माइनस साइन थी उसके पहले इसलिए ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए अभी क्या बचा देयर फोर स्क्वेयर रूट ऑफ़ फोर एक्स प्लस वन प्लस स्क्ेयर रूट ऑफ फोर एक्स प्लस वन अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ़ एक्स प्लस थ्री इक्वल टू फाइव अपॉन थ्री इस प्रकार से हमें ये टर्म मिल गई अभी ये टू टाइम्स है वन टाइम और टू टाइम उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये टू टाइम्स है तो यहाँ पे इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे टू इंटू फोर एक्स प्लस वन अपॉन टू इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू फाइव अपॉन थ्री अभी टू जो नंबर है वो कैंसिल हो गया अभी क्या बचा अभी यहाँ पे स्क्यर रूट ऑफ फोर एक्स प्लस और यहाँ पे स्क्यर रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री है तो यदि हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग करते हैं तो ये रूट की साइन जो है वो कैंसिल हो जाएंगी देयर फोर स्क्वेरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वेयर कर लेते हैं यदि हम इसका स्क्वेयर करते हैं तो यहाँ पे ये यह रूट की जो टर्म है वो कैंसिल हो गई यहाँ पे मिल गया फोर एक्स प्लस वन और नीचे की टर्म मिल गई एक्स प्लस थ्री इक्वल टू इसका भी स्क्वेयर किया फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव अप नाइन अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं देयर फोर नाइन इन ब्रैकेट फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू ट्वेंटी फाइव इन ब्रैकेट एक्स प्लस थ्री नाइन से मल्टीप्लाई करते हैं अब यहाँ पे नाइन से मल्टीप्लाई करते हैं नाइन फोर जा थर्टी सिक्स एक्स प्लस नाइन इक्वल टू ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव थ्री जा सेवेंटी फाइव देअर फोर थर्टी सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स इक्वल टू सेवेंटी फाइव माइनस नाइन यहाँ पे दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पे थर्टी सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स किया तो यहाँ पे इलेवन एक्स इक्वल टू दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ पे सिक्सटी सिक्स x फोर एक्स इक्वल टू सिक्सटी सिक्स अपॉन इलेवन देआर फोर एक्स इक्वल टू सिक्स तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू मिल गई दैट इज सिक्स इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर भी हमने सॉल्व कर लिया नेक्स्ट एग्जाम्पल फोर एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन फोर एक्स स्क्वायेयर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन इक्वल टू सिक्सटी वन अपॉन थर्टी सिक्स अभी यहाँ पे ये जो टर्म दी गई है फोर एक्स स्क्वायेयर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन ये जो टर्म है ये किसका स्क्वायर है तो टू एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट का स्क्वायर है देखो यहाँ पे मैं बताती आपको देयर फोर टू एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट स्क्वेयर इक्वल टू अभी इसका यदि हम स्क्र करते हैं तो टू एक्स का स्क्वायर किया तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू टू एक्स प्लस थ्री इंटू थ्री प्लस थ्री स्क्यर इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायेयर प्लस टू टू ज़ा फोर फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व दैट इज ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन तो ये टर्म मिल गई हमें इसका ही मतलब ये जो टर्म है फोर एक्स स्क्वायेयर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन वो टू एक्स प्लस थ्री उसका स्क्वेयर है तो राइट डाउन कर लेते हैं देयर फोर फोर एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट स्क्वेयर अपॉन टू एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट स्क्वेयर इक्वल टू सिक्सटी वन अपॉन थर्टी सिक्स ये टर्म मिल गई हमें अभी डिविडेंडो प्रॉपर्टी से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं देयर फोर बाय डिविडेंडो देआर फोर फोर एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको राइट डाउन करेंगे अपॉन डिनोमिनेटर जैसा है वैसा दैट इज टू एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट स्क्वेयर इक्वल टू यहाँ पे भी हम डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करेंगे दैट इज सिक्सटी वन माइनस थर्टी सिक्स अपॉन थर्टी सिक्स अभी देखो यहाँ पे टू एक्स प्लस थ्री उसका स्क्वायर है माइनस टू एक्स प्लस थ्री उसका स्क्वायर है दोनों नेगेटिव है तो यहाँ पे ये यह कैंसिल हो गए यहाँ पे क्या बचा फोर एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन टू एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ पे टर्म मिल गए ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी सिक्स अभी यहाँ पे स्क्वायर की टर्म दी गई है और यहाँ पे 25 फाइव अपॉन थर्टी सिक्स ये नंबर दिया है तो दोनों साइड क्या कर लेते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं देयर फोर टेकिंग स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वेयर रूट अभी यदि हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्क्वेयर की जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगी तो यहाँ पे टर्म मिल जाएगी फोर एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री इसका स्क्वायर रूट यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे हमें फाइव अपॉन सिक्स मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं देयर फोर सिक्स इन ब्रैकेट फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू फाइव इन ब्रैकेट टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू अभी देखो सिक्स इंटू फोर है तो सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर एक्स प्लस सिक्स वन जा सिक्स इक्वल टू फाइव टू जा टेन एक्स प्लस फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन अभी यहाँ पे ट्वेंटी फोर एक्स है यहाँ पे टेन एक्स है तो ये टेन एक्स लेफ्ट साइड को आ गया तो ट्वेंटी फोर एक्स ट्वेंटी फोर एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू फिफ्टीन माइनस सिक्स दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ पे फोर्टीन एक्स इक्वल टू यहाँ पे नाइन Therefore, x फोर एक्स इक्वल टू यहाँ पे नाइन है यहाँ पे फोर्टीन था ये मल्टीप्लाई था जब वो राइट right को आ गया तो यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी डिवाइड हो गया दैट इज़ नाइन अपॉन फोर्टीन तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई दैट इज़ नाइन अपॉन फोरटीन नेक्स्ट एग्जाम्पल थ्री एक्स माइनस फोर ब्रैकेट क्यूब माइनस एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्यूब अपॉन थ्री एक्स माइनस फोर ब्रैकेट क्यूब प्लस एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू सिक्सटी वन अपॉन वन एटी नाइन अभी यहाँ पे कंपेन डिविडेंडो की प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऊपर निगेटिव साइन है नीचे पॉजिटिव साइन है तो फर्स्टली क्या करते हैं इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी यूज़ करके ये पॉजिटिव साइन को ऊपर लाते हैं और निगेटिव साइन वाली जो टर्म है इसको नीचे लाते हैं देयर फोर बाई इन्वर्टेंडो इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं देयर फोर थ्री एक्स माइनस फोर ब्रैकेट क्यूब प्लस एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्यूब अपॉन थ्री एक्स माइनस फोर ब्रैकेट क्यूब माइनस एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू वन एटी नाइन अपन सिक्सटी वन अभी यहाँ पे देखो पॉजिटिव साइन ऊपर है और नीचे निगेटिव साइन है अभी यहाँ पे पॉजिटिव साइन ऊपर है और नीचे निगेटिव साइन है इसका ही मतलब क्या होगा यहाँ पे हम कम्पैनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं देआर फोर बाई यूजिंग पे कम्पेनेडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं देयर फोर थ्री एक्स माइनस फोर ब्रैकेट क्यूब प्लस एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्यूब माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में राइट डाउन करेंगे थ्री एक्स माइनस फोर ब्रैकेट क्यूब माइनस एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्यूब नेक्स्ट है नीचे सेम वही राइट डाउन करना है दैट इज़ यहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्योंकि यहाँ पे फर्स्टली पॉजिटिव करना है थ्री एक्स माइनस फोर ब्रैकेट क्यूब प्लस एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस फोर ब्रैकेट क्यूब माइनस एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू वन एटी नाइन प्लस सिक्सटी वन अपॉन वन एटी नाइन माइनस सिक्सटी वन अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं देआर फोर थ्री एक्स माइनस फोर ब्रैकेट क्यूब प्लस एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्यूब प्लस थ्री एक्स माइनस फोर ब्रैकेट क्यूब माइनस एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्यूब अपॉन थ्री एक्स माइनस फोर ब्रैकेट क्यूब प्लस एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस फोर ब्रैकेट क्यूब प्लस एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू यहाँ पे दोनों के एडिशन करेंगे तो यहाँ पे टू फिफ्टी 61 वन एटी नाइन माइनस सिक्सटी वन किया तो यहाँ पे वन ट्वेंटी एट मिल गया यहाँ पे x प्लस वन ब्रैकेट क्यूब है यहाँ पे भी सेम टर्म है लेकिन उससे पहले निगेटिव साइन है इसलिए ये दोनों टर्म क्या हो गए कैंसिल हो गए उसी प्रकार से थ्री एक्स माइनस फोर ब्रैकेट क्यूब है यहाँ पे भी थ्री एक्स माइनस फोर ब्रैकेट क्यूब है उसके पहले निगेटिव साइन है तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए अभी क्या बचा यहाँ पे ये टर्म बच गई दैट इज़ थ्री एक्स माइनस फोर ब्रैकेट क्यूब प्लस थ्री एक्स माइनस फोर ब्रैकेट क्यूब अपॉन यहाँ पे एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्यूब प्लस एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू टू फिफ्टी अपॉन वन ट्वेंटी एट अभी यहाँ पे ये जो टर्म है वो टू टाइम्स है तो इसलिए यहाँ पर डाउन करेंगे देयर फोर टू इन ब्रैकेट थ्री एक्स माइनस फोर ब्रैकेट क्यूब अपॉन टू इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू टू फिफ्टी अपॉन वन ट्वेंटी एट यहाँ पे टू टू कैंसिल होगा देयर फोर थ्री एक्स माइनस फोर ब्रैकेट क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू टू फिफ्टी अपॉन वन ट्वेंटी एट ये टर्म हमें मिल गए अभी इस टर्म को यदि हम टू से डिवाइड करते हैं तो टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व टू फोर ज़ा एट इसको भी टू से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे वन ट्वेंटी फाइव अभी यहाँ पे क्यूब की टर्म दी गई है तो यहाँ पे दोनों साइड क्या करते हैं क्यूब रूट लेते हैं देयर फॉर टेकिंग क्यूब रूट देयरफॉर यदि हम क्यूब रूट लेते हैं तो यहाँ पे ये जो क्यूब की टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे ओनली टर्म मिल जाएगी हमें थ्री एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस वन अभी वन ट्वेंटी फाइव जो नंबर है किसका क्यूब है फाइव का क्यूब है और सिक्सटी फोर जो नंबर है वो फोर का क्यूब है अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं देयर फोर फोर इन ब्रैकेट थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू फाइव इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन अभी मल्टीप्लिकेशन फोर थ्री जा ट्वेल एक्स माइनस सिक्सटीन इक्वल टू फाइव एक्स प्लस फाइव अभी यहाँ पे 12x एक्स माइनस फाइव एक्स इक्वल टू फाइव प्लस सिक्सटीन देयर फोर ट्वेल एक्स माइनस फाइव एक्स तो यहाँ पे सेवन एक्स इक्वल टू दोनों के एडिशन की तो यहाँ पे ट्वेंटी वन देयर फोर एक्स इक्वल टू ट्वेंटी वन अपॉन सेवन देयर फोर एक्स इक्वल टू थ्री ट्वेंटी वन नंबर को यदि हम सेवन से डिवाइड करते हैं तो सेवन वन जा सेवन सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन देट इज़ एक्स की वैल्यू क्या मिल गई हमें थ्री इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट फोर पॉइंट थ्री इसमें से क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीटली सॉल्व किया है आज का वीडियो कैसा लगा? कॉमेंट करके बताना है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो